देखो बात यह है, कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। सर पर आपके हर कार्यक्रम में कोशिश दिख भी रही है और वो चीजें दिखाई भी देने लगी। अभी तुम रुक तो जाओ, कांग्रेस में नई ऊर्जा भी दिख रही है। अच्छा, आदरणीय साथियों, आजाद भारत में बालासोर उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है, इससे बड़ा रेल हादसा आज़ाद भारत में हमें कहीं पूर्व उदाहरण नहीं है। एक दो नहीं, तीन ट्रेनें टकराई हैं, 300 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है, 1000 लोग से ज़्यादा घायल हैं और प्रिलिमिनरी जो प्राथमिक तौर पे रेल इंडियन रेलवेज ने वक्तव्य दिया है उसमें जो इंटरलॉकिंग सिग्नल्स उसका कारण बना है, उसमें कहीं फॉल्ट रहा है। उस फॉल्ट की जानकारी फरवरी में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सूचित किया था, एक हादसा हो सकता था इंटरलॉकिंग का, इसी प्रकार का सिग्नल का, जिसमें रेल ड्राइवर इंजन ड्राइवर के सचेत रहने की वजह से वो हादसा टल गया था। उसी के आधार पर उन्होंने एक फरवरी में एक पत्र लिखा जो कि अब पब्लिक डोमेन में है, अगर आप कहेंगे मैं आपको उसका कॉपी दे दूंगा, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा है कि बहुत बड़ा खतरा इससे हो सकता है, इसको तत्काल रेक्टिफाई करना चाहिए। वो नहीं हुआ जिसकी वजह से आज ये रेल हादसा हुआ है। वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री जी की शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने एक रेल हादसे से रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इतना बड़ा रेल हादसा नहीं था, सामान्य था। यदि आप देखेंगे कि रेलवेज में जो सेफ्टी मेजर्स और ट्रैक रिनोवेशन सिग्नल्स जो एक्सीडेंट फ्री सिस्टम्स डेवलप करना चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। अभी CAG की रिपोर्ट, इसमें जो सेफ्टी मेजर्स और ट्रैक रिनोवेशन सिग्नल्स जो एक्सीडेंट फ्री सिस्टम्स डेवलप करना चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। अभी CAG की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कैसे डिरेलमेंट कम किए जा सके, उसकी रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट को सबमिट की थी, उस पर भारत सरकार ने चर्चा तक नहीं कराई, वो भी अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। यदि आप डिरेलमेंट के केसेस देखेंगे तो 2014 के बाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स पर बजट एलोकेशन कम होता जा रहा है, खर्चा काय पे हो रहा है, बुलेट ट्रेन जिसमें गरीब आदमी टिकट ही नहीं कब खरीद पाएगा। जी वंदे भारत तो ठीक है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का भी हालत यह है कि वहाँ गाय अगर टकरा जाती है तो इंजन को बेकार कर देती है, वो वंदे मातरम ट्रेन है इनकी। और मोदी जी को अपना प्रचार करने में उनको बीमारी है, मेगलोमेनिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि उनकी उसकी बीमारी उनको है, मोदी जी को चाहे झंडा हिलाना हो ट्रेन का, चाहे कहीं कुछ हो, अकेले वही फोटो फ्रेम में मिलना चाहिए, दूसरा कोई आ नहीं सकता, टनल में भी अकेले खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, संसद भवन में अकेले चलेंगे पैदल, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये बीमारी है मोदी जी को, ऐसी बीमारी हमने आज तक किसी भी राज
भारत के राजनीतिज्ञों में नहीं देखी जो बीमारी इनको है, मैं मेगलोमेनिया। और अब इस रेल हादसे के बाद ये बात साफ हो गई है, यूपीए सरकार में लालू यादव जी रेल मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की लेड सरकार थी। कौन सी ट्रेन चालू की? गरीब रथ, यानी कि गरीबों के लिए उसी किराए में सुविधाएं बेहतर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य था। भाजपा का उद्देश्य क्या है जी सर? साथियों, बालासोर उड़ीसा में रेल हादसा जो हुआ है वो हमारे लिए, इंडियन रेलवेज के लिए सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें लगभग 300 लोग की मृत्यु हुई है और 1000 से लोग घायल हुए हैं, और एक दो नहीं तीन ट्रेनें टकराई हैं एक साथ, तीन ट्रेक। हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च होना चाहिए, जापान से आना चाहिए, चाहे हमारी कोच फैक्ट्रीज बंद पड़ी रहे, लेकिन इंपोर्ट जापान से होना चाहिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन में मेगलोमेनिया के ग्रसित प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरा नाम हो कि मैंने बुलेट ट्रेन चलाई। अब बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की चल रही है, उसका किराया कोई हवाई जहाज से कम नहीं होगा। अब अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले बुलेट ट्रेन में बैठ के जाएंगे कि हवाई जहाज चले जाएंगे? और जाएंगे भी तो कौन लोग जाएगा? गरीब जाएगा, कोई मजदूर जाएगा, कोई किसान जाएगा, उसमें बैठ के जाएंगे वो लोग जो कि उस किराए को अफोर्ड कर सके। ये उनकी गलती नहीं, ये विचारधारा है। देश में आज जो विचारधारा है, एक गरीब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा गांधी जी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, राम मनोहर लोहिया की है, जो कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव रखते हुए गरीबों को एक आगे रखकर नीतियां बनाए। भाजपा की नीति कैसी है? बुलेट ट्रेन, अडानी, महंगाई, कॉरपोरेट मोनोपोलाइजेशन। आज की परिस्थिति में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। यूपीए सरकार में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए थे। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, हमारे नहीं हैं, IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं। लेकिन 14 से लेकर आज तक वो फिर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। कारण, क्योंकि याद रखिए, इन्फ्लेशन जो है ये किन कारणों से होता है? डिमांड सप्लाई हैं, जो तेल बनाती थी, जो आटा बनाती थी, जो खाद्यान्न बनाती थी, उनको बड़ी कंपनियों ने टेक ओवर किया, ठीक है, फूड पैकेजिंग का की बाध्यता रखी। पहले क्या होता था, भाई खुला तेल खुला बिक रहा है, बोतल लेके आदमी गरीब गया, तेल भरा जा रहा है। अब नहीं, तुम खुला नहीं खरीदोगे, तुम हमारे कॉरपोरेट से निकला हुआ आधा लीटर की कुप्पी खरीदोगे। आटा पहले चक्की पे जाते थे, आटा पिसवा के ले आते थे, नहीं नहीं नहीं, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए पैक्ड आटा खरीदो, हल्दी बाजार से परचूनी की दुकान से ले आते थे, नहीं पैक्ड खरीदो, यानी कि
पैक्ट वो सामान खरीदो जो उसको हमारे कॉरपोरेट्स खरीद रहे बेच रहे हैं, उसमें तो इन्फ्लेशन होगा। आप देख लीजिए 2014 के पहले कितने कॉरपोरेट्स ने छोटे छोटे कंपनियां खरीदी और कितने कॉरपोरेट्स ने 2014 के बाद खरीदी। अब अडानी जी को एयरपोर्ट्स भी उनको चाहिए, रोड्स भी उनको चाहिए, पोर्ट्स भी उनको चाहिए, खाने का तेल भी उनको चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहां अडानी जी ना आए, पावर सेक्टर में भी वही। धीरे धीरे कंपनियों का टेक ओवर हो रहा है। अब आपका रुचि सोया था, रामदेव तो एक फ्रंट है, रामदेव फ्रंट है, बाकी यही कंपनी है पूरी क्योंकि मैं जानता हूँ